आपकी हायर सेल्फ को इस वक्त में आपको कुछ कहना है, कुछ मैसेज देना है। मैं आपको बता रही हूँ वो मैसेज क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती है कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ ऐसी एक्सपीरियंस को रखे हो, कुछ ऐसी आपकी मेमोरीज़ है जो बार बार आपको रिकॉल करवाती है किसी पर्सन की नेगेटिविटी को। पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पास्ट में किसी ने आपको चीट किया है, आपने कभी बहुत ख़राब सर्कल में थे, तो बार बार आपको वही रिकॉल करवाया जाता है और आप उसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आपकी हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहती है कि पास्ट की एनर्जी से बाहर आओ, या आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपको। ओके, उसको कहीं पर एड्रेस करने की ज़रूरत है आपको। जो भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस है वो बार बार आपको एक ही लूप में लेकर आ जाती है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना गलत हुआ है, मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ है, उनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, ख़राब सिचुएशन है। आपको आपकी हायर सेल्फ ये कहना चाहती है कि आप इस लूप को एंड करो कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में इतना गलत हुआ है, ये ख़राब हुआ है, इसको कम्प्लीटली चेंज करो। और आप ये कहना स्टार्ट करो कि मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, मैं अपनी लाइफ को खुद अच्छी तरीके से क्रिएट करूंगी। ओके, आपको बहुत फास्ट मूव करने की ज़रूरत है। आप कहीं पर स्टक हो, पास्ट की एनर्जी में स्टक हो, तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि पास्ट को लेट गो करो, पास्ट की एनर्जी से बाहर आओ, कट ऑफ करो और न्यू तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, आगे बढ़ो। ओके, अगर आप पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेंगे, बार बार आप उसी को रिकॉल करेंगे, तो वही एक्सपीरियंस दोबारा आपकी लाइफ में रिपीट होगी। ओके, तो इसीलिए आपके हायर सेल्फ आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे बढ़ो। ओके, कट ऑफ करो, पास्ट को कट आउट करो, जो फियर है, जो एक्सपीरियंस है, नेगेटिविटी जो है उसको पीछे छोड़ो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। ओके।